किसने मारा तुम लोगों को? राम और लखन ने हमें मारा है। ये राम लखन की है कैपेसिटी। पुलिस वाले हैं जानकर भी इन लोगों को बड़ी बुरी तरह से पीटा है। इस पूरी सिटी को वो लोग लीड कर रहे हैं और ये शराब पीकर सुअर की तरह सो रहा है। ये एक दिन जरूर चूड़ियां पहनेगा और वो दोनों का गुंडा राज हो जाएगा। चीर के रख दूंगा, चीर दूंगा। तू कल ये वर्दी उतार कर आना, चोली पहन कर गली गली घूमना, धिक्कार है तेरे पे। तू एक बाजार की औरत ने मुझ जैसे को पैदा करके बाजार में फेंक दिया था और उसी बाजार को लूट कर मैं बड़ा हुआ हूँ। सर्दी से बचने के लिए पहली बार मैंने कंबल के लिए पहला खून किया था और तब से लेकर इन 40 सालों में मैंने 400 से ज्यादा मर्डर किया है और आज ये राम लखन, आज इन दोनों ने मुझे पहली बार डिस्टर्ब किया है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत छोड़ दो, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, अरे मैं तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो प्लीज, अरे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं पैर पर हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं छोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जमीन नहीं चाहिए। तू इस जमीन के लिए शाम लखन के पास गया था ना? मैं देता हूँ तुझे जमीन। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। भाई भाई, आपने शिवगिरी को जमीन दिलाया था ना, उसको लखन ने मार दिया भाई। चलो भाई, आपने जिस वेंकटराव को जमीन दिलाया था, राम ने उसे मार दिया। राम, ए, हमारा निशाना सही जगह पर लगा है। अब देखना, राम लखन आपस में लड़ेंगे और तभी हम वहां पहुंच कर दोनों को खत्म कर देंगे। पूरे सिटी को पता चलना चाहिए शाहिद भाई का पावर क्या है। चलो रे। ए, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों भीड़ इकट्ठा है यहाँ? कुछ नहीं साहब, बस हम लोग यहाँ मिलने आए थे। अच्छा भाई, हम लोग बाद में मिलते हैं, चलो चलता हूँ साहब। चलो भाई, तुम्हारे बारे में हमको सब पता है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, होशियार रहो, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर। पिताजी बाहर गए हैं भाई। अरे तो शुरू करो। क्या कर रहा बेटा? कहाँ पिताजी? बाहर। पिताजी तो बाहर गए, मुझे क्या पता। ए अंदर आओ। हाँ आता आता। आ रहे आ रहे। हाँ पिताजी, वो हाँ तू? हाँ मैं हूँ। और तूने मेरा ड्रेस पहना है। तू मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा तुम्हारा ड्रेस पहनकर मेरी इच्छा पूरी कर। वो सब ठीक है, मेरा ड्रेस मुझे लौटाओ। नहीं दूंगी। अरे देगी नहीं कैसे? हे क्या ये? क्या करूँ मैं बोलो? लगा तो तूने हाथ में है, तेरी आंखें क्यों कमजोर हो गई? क्या करूँ, तुमने तो खुद ही खरीद के दिया। हाँ मालूम है, बहुत खूबसूरत है ना तू, उस दिन ड्रेस दिया था। चल पल्लू उठा, बहुत कुछ दिख रहा है। ए
मैं टेम्पटिंग दिख रही हूँ क्या? आ आ दिखाता हूँ कितने टेम्पटिंग है। कान के नीचे बजाऊंगा ना चटनी हो जाएगी। चल पल्लू उठा। चल पल्लू कैसे उठाऊं? दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तुम उठा दो ना। अच्छा चल मैं कर देता हूँ तेरा काम। चल चल जा। ये क्या कर रही है? अरे तेरी तो नहीं दूंगी। अरे निकाल निकाल। अरे मेरे कपड़े दे मुझे। क्या कर रही है? नहीं निकल। मुझे शर्म आती है। अरे चल शर्ट निकाल। अरे शर्ट मेरा है। कैसे कर रहे हो? अरे क्या कर रही है? तू जाएगी खत तेरी तो। अरे अरे क्या कर दो। पहले मेरी बात सुन लो। गोलकुंडा के मंदिर से जो जेवरात चुराए गए हैं वो हमारे पास है, और इस शहर के तमाम गुंडों को ये खबर मिल जानी चाहिए। ठीक है भाई। हेलो मुंबई के दाऊद खान। मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। हाँ कल आता हूँ। ठीक है कल आता हूँ। स्टेट के सभी गुंडों को तेरा तड़का लगा देना, और सबसे पहले इस हरामी को बताना तुम मत भूलम। बेटा लखन, तूने मेरा दूध पिया है और दूध का कष्ट चुकाना है। गोलकुंडा किला में जो नीलामी चल रही है वो सब हमें आना चाहिए। तू सर काट के आता है या सर कटवा के आता है कोई फर्क नहीं, लेकिन गहने मेरे घर में आने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे रास्ते में जो हाथ आएगा उसको काट दूंगा मैं। नीलामी से वो जेवरात मैं आपके हाथ में ला कर दूंगा। शाबाश बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा और लेकर आ, इन सब को दिखा दे। चले। ए, स्टार्ट करो। ये क्या भैया, उन दोनों का इंतजार तो करना चाहिए ना। ए, कौन है वो दोनों? राम लखन। भैया राम लखन इधर आकर मरना मांगता और मेरे को वो गहने मांगता। ठीक है। हाँ शुरू करो। इस भगवान के गहने की बोली 1,00,000 रुपए से शुरू होती है। 2,00,000। इस शहर के उत्तर के भाई की तरफ से 2,00,000। 3,00,000। पंजाबपुरी सिंह की बोली 3,00,000 की है। 4,00,000। हाँ। लड़कियों की ब्रोकर संध्या की बोली 4,00,000 की है। 5,00,000। पूरब की यमनी का बेटा राम की बोली 5,00,000 की है। 8,00,000। पूरब के शंकर भैया का एक लौता बेटा लाखन की बोली 8,00,000 की है। 10,00,000। सबसे बड़े भाई शाहिद भाई की बोली 10,00,000 की। 12,00,000। 12,00,000। 14,00,000। 14,00,000। 15,00,000। ये हुई ना बात, शाहिद भाई की बोली 15,00,000 का। 20,00,000। 20,00,000। 25,00,000। 25,00,000। 30,00,000। 30,00,000। 35,00,000। 35,00,000। 40,00,000। 45,00,000। 46,00,000। 47,00,000। 50,00,000। इसके आगे कोई बोली नहीं लगाएगा, ये बोली मेरा है, कहने मुझे दो। ये क्या भैया, आप इस तरह बोली नहीं रोक सकते। आप अपना बोली बोलिए, बाकी लोग भी अपनी बोली बोलेंगे। ये शाहिद भाई है। अरे अरे पकड़, अरे उसको पकड़, जाएगा कहाँ पे, पकड़ सारे को।
इधर। अरे पकड़ पकड़ पकड़ो। ये वो भाग ना पाए।